हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। तो दोस्तों, जैसा हम सबको पता है भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने अपना नया रिलीज 2.0.1 को अपडेट कर दिया है। तो उम्मीद है आप सब ने भी अपने टेली सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिया है। तो दोस्तों, जो नया अपडेट इस रिलीज में निकल के आया, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ये जो बॉटम बार में हमें शॉर्टकट बटन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, ये जो शॉर्टकट बटन है ये वो हिडन्स कमांड है जो पहले हमें विजुअल नहीं होती थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस कमांड का यूज होता नहीं था, और इस कमांड का यूज वही अकाउंटेंट लोग कर रहे थे जिनको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में या टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में किसी कंपनी की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करने का एक्सपीरियंस हो, तो वो अकाउंटेंट लोग इसका पहले भी यूज कर रहे थे। लेकिन ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही थी जो स्टूडेंट्स हैं, जो टेली सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, उन्होंने किसी कहीं पे भी कोई प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करी, यानी कि प्रैक्टिस के साथ टेली नहीं सीखा, उन्होंने केवल कोई नोट्स के थ्रू या किसी बुक्स के थ्रू ही उन्होंने टेली सॉफ्टवेयर को यूज़ किया, तो उनके लिए सामने ये बड़ी दिक्कत थी। क्योंकि ये जो शॉर्टकट कमांड्स है, ये कमांड न तो पहले किसी हमें सॉफ्टवेयर पर यूजबल होती थी किसी साइट पर, और न ही इसके बारे में प्रॉपर कोई नोट्स या किसी बुक्स में ज़्यादा डिटेल के साथ दी हुई थी। तो दोस्तों, अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूज़र हो या आप किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारी बातें प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। ये जो बॉटम बार में ये जो शॉर्टकट अपडेट दिए गए हैं जिनका यूज़ अभी तक जो अकाउंटेंट लोग कर रहे थे, उनको हम आगे किस तरीके से यूज़ करेंगे, आखिरकार इन शॉर्टकट कमांड्स का मतलब क्या है, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, साथ में ऑल पर भी जरूर क्लिक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये जो शॉर्टकट कमांड्स के जो बॉटम बार में यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है, ये जरूरी नहीं है अभी आपको हर जगह सेम ही कमांड आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के होम पेज पे हैं, यानी कि गेटवे ऑफ टेली के पेज पे हैं, तो आप देख रहे हो इस बॉटम बार में आपको कोई भी कमांड यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे जैसे जो जो ऑप्शन हम ओपन करते जाएंगे, वैसे वैसे उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो शॉर्टकट बटन्स जो दिए हैं बॉटम बार में, वो अपडेट होते रहेंगे, यानी कि आपको विजुअल होते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम किसी वाउचर की एंट्री करते हैं, तो इस वाउचर एंट्री करने से रिलेटेड जो शॉर्टकट कमांड्स का जो यूज़ किया जाता है, वो पहले हमें यहाँ पर शो नहीं होता था। तो उसके बारे में आप देख रहे हो यहाँ पर तीन जो शॉर्टकट कमांड है वो हाईलाइट हो गई है, एक क्विट के साथ, दूसरी एक्सेप्ट, और तीसरी कैंसिल वाउचर। और दोस्तों, इस यही हम डे बुक को ओपन करते हैं, तो जैसे हम डे बुक को ओपन करेंगे तो देखो आप इसके अलावा काफ़ी और सारे है जो शॉर्टकट कमांड है जो आपके सामने विजुअल हो गई है। इसमें अल्टर, सेलेक्ट, ऐड वाउचर, डुप्लीकेट वाउचर, इंसर्ट वाउचर, डिलीट, कैंसिल वाउचर, या फिर रिमूव लाइन, या फिर रिस्टोर लाइन। तो इस तरीके के कुछ है जो शॉर्टकट जो बटन है वो हाईलाइट हो जाते हैं आपकी जो स्क्रीन है, आप स्क्रीन के ऊपर कौन से ऑप्शन को यूज़ कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग ये सारा बटन है जो अपडेट होता है। तो दोस्तों, हम सबसे ज़्यादा अपडेट जो बटन हमें विजुअल यहाँ पर जो होंगे शॉर्टकट कमांड के, वो होंगे डे बुक के ऑप्शन पे। तो दोस्तों, डे बुक के ऑप्शन पे हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला नाम आता है क्विट का। तो दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पर क्विट, क्यू के नीचे आप देख रहे हो डबल लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो यानी कि जिसके ऑप्शन शॉर्टकट के बीच में डबल लाइन है, यानी कि वो ऑप्शन है जो आपका कंट्रोल बटन के साथ काम करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्यू दबाएंगे तो हमारी जो टैली है जो हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पर इंटर का बटन। अब इंटर के नीचे भी अगर हम देखें तो आप देख रहे हो इंटर, यानी कि इंटर का अगर इसके हम प्रेस करेंगे, इंटर किसके साथ हम प्रेस करेंगे, एल्टर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अगर आप इसी विंडो के अंदर किसी को ऑप्शन करते हो एंटर, अब जैसे कि हम यहाँ पर इसको एल्टर कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं उस एंट्री को, जो कि हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता था भी एल्टर करने के लिए यूज़ क्या करना होता है। तो ये ऑप्शन है हमारा एल्टर करने के लिए। जो भी आपने वाउचर है, जैसे मान लीजिए इस सेल वाउचर को हमें एल्टर, यानी कि इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, कोई स्टॉक आइटम ऐड करनी है, कोई लेजर हमें ऐड करना है, या पार्टी अकाउंट नेम हमें चेंज करना है, तो इसी विंडो के ऊपर जाके हम एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद हम आपके सामने सेम वो वाउचर ओपन हो जाएगा, और उसके बाद अपने जरूरत के अकॉर्डिंग जो स्टॉक आइटम या फिर कोई लेजर आपने ऐड करना है तो वो हम आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे देखा हमने सेल वाउचर को ओपन किया,
तो ओपन करने के बाद मान लीजिए आपने यहाँ पर डेट चेंज करनी थी, मैं जैसा कि मैंने 30/3 कर दिया, और उसके बाद में सारा डाटा आपका बिल्कुल सही है, आपको इसी ऑप्शन पर रहते हुए इस सेल वाउचर को जो सेव करना है। अगर आप स्टॉक आइटम एंटर प्रेस करोगे तो लास्ट में आपसे यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा जाता है, लेकिन अब हमें एक्सेप्ट करने की जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर हमें मिल गई है, आप देख रहे हो क्या, कंट्रोल ए, यानी कि हम इस विंडो पर रहते हुए कंट्रोल ए के साथ हम बटन प्रेस करेंगे तो ये विंडो हमारी सेव हो जाएगी। अब ये हमारा डाटा कहाँ चला गया, 30/3 में, तो हम 30/3 की अगर डे बुक पर डेट लगाएंगे तो वो 30/3 में वो सेल वाउचर हमारे पास है जो ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है हमारे पास में एड वाउचर का, तो आप एड वाउचर यानी कि अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 30 मार्च 2022 की डे बुक ओपन हुई है, अब मान लीजिए आपने इसी डेट के अंदर कोई वाउचर को एड करना है तो हम क्या करेंगे, एल्ट के साथ हम ए यूज़ करेंगे, तो जैसे हम यूज़ करेंगे तो आपके सामने कौन सा वाउचर हुआ, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास है जो सेल वाउचर की जो ट्रांजेक्शन है वो ओपन है, और हम एल्ट ए करेंगे तो हम एल्ट जैसे हम प्रेस करेंगे तो हम वापस हमें वाउचर पे जाके अकाउंटिंग वाउचर पे वहाँ पर सेल वाउचर को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से ही सेल वाउचर की दूसरी एंट्री है जो पास कर सकते हैं। जैसा कि हम एक एंट्री को पास यहाँ पर करके देख लेते हैं, कोई भी स्टॉक आइटम यहाँ पर एक ले लेंगे हम, और उसके बाद में इसको एंट्री को सेव करेंगे, हम पास करके देखें भी सेम हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन विंडो सेव हो रही है या नहीं हो रही, तो आप देख रहे हो ये दो वाउचर हमारे पास इस 30/3 में है जो विजुअल होने में स्टार्ट हो गए हैं, तो यानी कि हम एड वाउचर को यहीं से कर सकते हैं। और उसके बाद आगे वाला ऑप्शन आता है डुप्लीकेट वाउचर का, तो दोस्तों डुप्लीकेट वाउचर की जो कमांड है, जैसा कि हमने इसे जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें अच्छी तरीके से हमने इसको डिटेल के साथ क्लियर किया था कि हम डुप्लीकेट वाउचर का यूज़ कहाँ पर और किस तरीके से किया जाता है, तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है अगर इस डुप्लीकेट वाउचर के बारे में हम बात करेंगे, तो अभी तक आपने डुप्लीकेट वाउचर कमांड का यूज़ प्रॉपर किस तरीके से यूज़ किया जाता है इसको देखने के लिए इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि हम डुप्लीकेट वाउचर की कमांड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाएगा इंसर्ट वाउचर, तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी एल्ट ए के साथ एड वाउचर किया था सेम वही प्रोसेस हम इंसर्ट वाउचर का भी कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें भी इंसर्ट वाउचर की जो शॉर्टकट कमांड है वो है एल्ट के साथ आई, यानी कि जिसके नीचे सिंगल लाइन वो एल्ट के साथ काम करेगी, जिसके नीचे डबल लाइन है वो कंट्रोल के साथ काम करेगी। जैसे हम एल्ट आई बटन प्रेस करेंगे तो हम एल्ट आई के साथ भी हम वाउचर को प्रेस कर मतलब इंटर कर सकते हैं और हम नया वाउचर है जो बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है आपका भी सेल वाउचर ही बनेगा, आप अपने कोडिंग पेमेंट रिसिप्ट जर्नल रिसिप्ट जो भी आपको जरूरत है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें इसका ऑप्शन ये मिलता है भी हमें वापस बैक जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप डे बुक पे हो या पर फिर आपको वापस वाउचर पे आना पड़ेगा और उसके बाद आप वाउचर ऐड कर सकते हो, तो आप डे बुक पे रहते हुए भी हम शॉर्टकट कमांड से इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में डिलीट, तो आप देख रहे हो डिलीट की जो शॉर्टकट कमांड है वो है एल्ट के साथ डी, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी फ्रेशर अकाउंटेंट को भी किसी जो वाउचर की एंट्री हमने गलती से कर दी है तो उसको हमें डिलीट कैसे करना है, क्योंकि ये जो डिलीट की विंडो विजुअल नहीं होती थी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो कीबोर्ड से जो डिलीट का बटन है उससे डिलीट करने की कोशिश करते थे लेकिन वो डिलीट होती नहीं थी, लेकिन अब हमें पता चल गया भी हमें किसी भी वाउचर को डिलीट करना हो तो सबसे पहले हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद भी हम एल्ट डी का बटन का यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब हम इस पर चाहे तो डिलीट के बटन पे भी आप क्लिक कर दो तो भी आपसे ये वार्निंग पूछेगा भी आपको डिलीट करना है या नहीं करना, करना है तो हमें इंटरफेस करना होगा, नो करना है तो हमें एस्केप, तो हम इसको डिलीट करना चाहें तो इस पर वाई पे क्लिक कर दोगे तो भी आपकी वो वाउचर डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से कैंसिल वाउचर, तो दोस्तों अब मान लीजिए कोई भी वाउचर आपने कैंसिल करना है, जैसे कि हमने पूरी डे बुक ओपन कर ली और हमारे पास आप देख रहे हो अभी तक फिलहाल एक सेल है, हम कुछ रिसिप्ट ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये रिसिप्ट वाउचर है और इस 8 नंबर रिसिप्ट वाउचर को या 7 नंबर रिसिप्ट हम ले लेते हैं भी, इस 7 नंबर रिसिप्ट वाउचर को हमें कैंसिल करना है, तो इसके लिए हम इस पे इस विंडो को आपको ओपन करने की आपको ज़रूरत नहीं, अगर आप ओपन करो तो भी आप ओपन पे जाके इसको कर सकते हो कैंसिल, अदरवाइज आप इसको डे बुक पे रहते हुए भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हम इस पे इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो है एल्ट के साथ एक्स, या आप एल्ट एक्स यूज़ करो या फिर इस कैंसिल वाउचर पे क्लिक कर दो, जैसे हम क्लिक करेंगे यस करेंगे तो ये हमारे सामने कैंसिल हो जाएगा और आप देख रहे हो इसकी जो अमाउंट है
वो यहाँ से हट चुकी है और यहाँ पर ये कैंसिल लिखा हुआ आ गया है। तो इसकी शॉर्टकट एल्ट एक्स के साथ हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में रिमूव लाइन। अब रिमूव लाइन का मतलब, मान लीजिए आपने किसी भी कोई स्टेटमेंट आप चेक कर रहे हो और आप आर्टिकल उसमें से किसी एक चीज़ को हाइड आप करना चाहते हो। अब जैसा कि हम एक पार्टी का स्टेटमेंट है जो वो ओपन कर लेते हैं, जैसा कि हमने एक केस का लेजर हम ओपन कर लेते हैं, तब हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप देखा, जैसा कि हमने पूरी केस की ट्रांजेक्शन है जो ओपन कर लिए। अब मान लीजिए आपने ये जो केस में जो सेल करी है, अब ये केस आपके इस केस के इस डेबिट साइड के टोटल में ऐड होके आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो भी हमें केवल रिसिप्ट और पेमेंट के थ्रू पता करना है भी हमारे पास टोटल डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है। आप इस सेल के वाउचर को यहाँ से एक बार टेम्परेरी रूप से हटाना चाहते हो, परमानेंट हटाओगे तो आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप इसको टेम्परेरी रूप से, अगर इस लाइन को यहाँ से हम हटाना चाहें, तो इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो आप देख सकते हो डबल लाइन के साथ, यानी कि ये जो आर काम करेगा वो कंट्रोल के साथ काम करेगा। तो हम इसको कंट्रोल आर करेंगे। तो जैसे हमने कंट्रोल आर किया, आप देख रहे हो वो सेल की जो वाउचर की एंट्री हमें दिखाई दे रही थी वो यहाँ से टेम्परेरी रूप से हिडन हो गई है। उसके बाद में आगे वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंट्रोल के साथ यू, यानी कि रिस्टोर लाइन। अब जैसा कि अभी हमने इस सेल वाउचर को यहाँ से हाइड किया था, अगर उस सेल वाउचर को हमें वापस यहाँ पर शो करना है तो हम उसको करेंगे रिस्टोर लाइन। तो उसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस यू के साथ, या आप इस रिस्टोर लाइन पर भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे हम रिस्टोर पर क्लिक करेंगे, आप देख रहे हो अभी हमने जो यहाँ से सेल वाउचर की इस एंट्री को यहाँ से हटाया था वो हमारे सामने वापस शो करना स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों ये तो था कुछ डे बुक से रिलेटेड। अब उसके बाद में हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे या फिर बैलेंस शीट को हम देखेंगे, तो दोनों की सेम काम करेगी। जैसे हम बैलेंस शीट पे जाएंगे तो आप देख रहे हो बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पे कमांड देखने को नहीं मिल रही है। क्विट का तो आपको हर जगह मिलेगा। उसके बाद में स्पेस, आप देख रहे हो स्पेस कंट्रोल के साथ काम कर रहा है और ये सिंगल स्पेस भी काम करेगा। दोस्तों सिंगल स्पेस आपका काम कहाँ करेगा, अब मान लीजिए इसमें से आपने कुछ एक लेजर को यहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अकाउंट है इसको सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या करूँगा स्पेस बटन दबाऊंगा। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इस बैंक की ट्रांजैक्शन को भी सिलेक्ट करना है, बैंक के इस एसेट साइड में इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा, या फिर मेरे को पीपीएफ अकाउंट को भी सिलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं स्पेस बार का बटन प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बात आती है भी अगर हम कंट्रोल के साथ स्पेस बटन का यूज करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों हम कंट्रोल के साथ स्पेस बटन का हम यूज करेंगे तो आपके उस साइड में जितने भी लाइन है वो सारी की सारी वन टाइम सेलेक्ट हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं डे बुक पे जाके, और हम पूरे साल के ट्रांजैक्शन को ओपन कर लिया। अब मान लीजिए इसमें से आपने कुछ लिमिटेड को सिलेक्ट करना है तो आपको सिंगल स्पेस बार आपको दबाना पड़ेगा उस वाउचर की ट्रांजैक्शन के ऊपर जाके। तो इस तरीके से हम एक एक अपने चॉइस के अकॉर्डिंग या अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें पूरी डे बुक को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे कंट्रोल और स्पेस का बटन। तो जैसे हम कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आप देख रहे हो आपकी पूरी की पूरी जो डे बुक है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए इसमें से आपको दो ऐसी ट्रांजेक्शन है उसको आपको अनसेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप जिस वाउचर को आपको अनसेलेक्ट करना है उस पर जाके आप स्पेस बार प्रेस कर दो तो आप देख रहे हो वो अनसेलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो इसी तरीके से कंट्रोल स्पेस के पास अगर आप वापस हटाना चाहते हो तो वापस आपको कंट्रोल बटन के साथ स्पेस बटन है जो यूज करना पड़ेगा, यानी कि एक बार तो ये सिलेक्ट हो जाएगी और सेकंड टाइम में ये अनसेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट में आपको कुछ ऑप्शन है जो देखने को मिलते हैं। और उसके बाद ये रिमूव लाइन, जिसका यूज अभी हमने करके देख लिया, किसी भी लाइन को एक बार टेम्परेरी रूप से हटाना हो तो उसके लिए हम रिमूव लाइन के शॉर्टकट बटन का यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।